अच्छा, जो ये जो आपका आखिरी सवाल था ना, आखिरी हिस्सा जो है सवाल का, वो ये है कि अभी तो उसने पैदा होना है, तो जब उसने पैदा होना है उसके बाद उसने देखेंगे तो अल्लाह के नबी सलाम ने बताया ना कि वो इस्फहानी यहूदियों में से आना है, ये नहीं कहा कि इस्फहान में से आना है, तो समझ लें दोनों चीजें मतलब दे लेते हैं कि इस्फहान ईरान को कहते हैं भाई, जब तो ईरान में पैदा होगा तो ईरान में बहुत थोड़े से ज्यूज अभी हैं, सॉरी समझ लें कि उनमें से आना है, या फिर ये समझ लें कि उन्हीं की कबीले की शाख में से, जो कि इस कहीं पर भी है, या फिर इसराइल में नहीं भी है तो यहूदी, तो उनके बच्चे जब भी बच्चा पैदा होगा उसको जब भी ये इल्म मिल जाना है कि ट्रेवल कैसे करते हैं, तो सबसे पहले तो उसने ट्रेवल करना है एज फार एज ही कैन गो, एंड देन ही विल बी ऑब्वियसली कैप्चर्ड, और मुद्दारी से उसकी मुलाकात होनी है, क्योंकि हुई तो वो फ्यूचर पास में हुई है ना, फ्यूचर पास का मतलब है कि पैदा हुआ फ्यूचर में हुआ है और उसके फ्यूचर में उसने पास में जाना है, तो फ्यूचर पास्ट होता है, ठीक है, तो उसके बाद वो फंस जाएगा, और जब तक ये वापस यहां से दोबारा नॉब नहीं घुमाएंगे, जो भी इनकी नॉब है, तब तक वो पोर्टल नहीं खुलेगी और एसी का वेट कर रहे हैं, समझे, अब वो नजला के खुश कोने का वेट कर रहे हैं, या फिर वो किसी बाग के खुश कोने का, या फिर बराबर जो भी उनका मिसिंग पीस ऑफ द पजल है ना, वो तो उनको चाहिए, तब कहीं जाके तो जान लें वो वाली पोर्टल खुलनी है, और वो पोर्टल खुलते ही जान लें वापिस आ जाना, समझ लें, तो ये बात तो इसमें कोई फिजिक्स के थ्रू आसानी से समझ आ जाती है कि, और बहुत अच्छी समझ आती है कि हाँ मामला तो ऐसे, वरना अचानक जहूर की समझ नहीं आती कि पैदा भी हुआ और अचानक जहूर हो गए, समझ रहे, सो ये एक सवाल मुझसे ये पूछ रहा था कि वो तो अगर एक आंख वाला बंदा होना है तो ये तो हम सबको पता चल जाएगा कि वो एक आंख वाला है, तो ये तो ईसा नहीं हो सकते, ये तो अल्लाह नहीं हो सकता, ये तो हमें पहले ही पता दज्जाल है, तो फिर मसला क्या है, फिर इतना कैसे हो गया, तो वो इतना आसान नहीं है, और दज्जाल है आजकल एक आंख वाले बंदे दो आंख वाले ही नजर आते हैं, तो वो तो असल में भी दो आंख वाला भी हो सकता है, जो उसके बाद में कोई ऐसा वाकया हुआ हो जिसकी वजह से औरतों ने इतनी बैत करनी है उसके ऊपर, ये समझने की जरूरत है कि कोई ऑफिशियल कोई ऐसा वाकया हो जिसमें उसने अपनी आंख गवाई हो किसी को बचाते हुए, कोई ऐसा वाकया कारनामा करते हुए कि लोग ना सिर्फ उसको धुतकारने की बजाय उस पर उसकी तरफ दौड़े कि तूने अपनी आंख तक गवा दी किसी की जान बचाते वक्त, जैसे आजकल वीडियो नहीं वायरल होती कि एक बंदे को ने उस बच्चे को बचाते हुए आग में छलांग लगा दी, मैं मिसाल दे रहा हूं, इट कुड बी एनीथिंग, वरना एक आंख वाले बंदे को तो हम पहचान लेंगे कि ये तो काफर है, इसका सबूत क्या है, इसका सबूत है इब्ने सयाद, अल्लाह के नबी सलाम के दौर में एक बच्चा पैदा हुआ जो बड़ा हुआ इब्ने सयाद नाम था, उमर के दौर में फौत हुआ, सहाबा किराम में से किसी एक ने भी नहीं कहा कि या रसूल सल्लम इसकी तो दो आंखें हैं, उनको इस बात की सेंस बड़ी क्लियर थी कि दो आंखें अभी हैं, किसी एक दौर में इसकी एक आंख रह जाएगी, कोई बार बड़ी बात नहीं है, एक आंख वाली मामला नहीं है, ये कोई भी वाक्य हो सकता है उसकी एक आंख वाली, और दूसरी बात सहाबा किराम ने कभी भी नहीं कहा कि या रसूल सल्लम आप इब्ने सयाद पे बात कर रहे हैं, ये तो कोई सिस्टम है जिसकी आपने बात की थी, ये बंदे के ऊपर क्यों बात हो रही, इसका मतलब बड़ा क्लियर है कि अल्लाह ताला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो बंदे का ही बताया हुआ है, और साहबी इब्ने सयाद को पकड़ के बैठे हुए थे कि क्योंकि वो वाकयात बाकी अजीब और गरीब थे उसके, वो बचपन में उसने जो बदतमीजी की थी अल्लाह के नबी सल्लम से वो आम से वाकया नहीं, मगर चूंकि उसके ऊपर सहाबा के नाम ने कह दिया कि हाँ ये नहीं हो सकता, तो हम भी उसके ऊपर कह रहे हैं कि वो मर गए, वरना वी शुड हैव गॉन टू खुद भी कह दिया था कि ये नहीं है, नहीं उन्होंने ये नहीं कहा था, उन्होंने कहा था उमर अगर ये दज्जाल है तो तू इसे मार नहीं सकता, और अगर दज्जाल नहीं है तो तू एक बंदे की जान ले लेगा जिसका जो दज्जाल नहीं है, तो सोचे ये भी एक मैथमेटिक्स सीखी है कि देयर इज नो वे दैट यू कैन डू एनीथिंग अबाउट इट, ये बहुत बड़ी चाबी है यहाँ पे कि दज्जाल ना हुआ तो तुमने जबरदस्ती किसी बंदे को दज्जाल करके मारना नहीं है, एक और हदीस भी ना जहाँ पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि अगर वो मेरे दौर में आ गया तो मैं उसे मार दूंगा, वरना फिर बाद में ईसा ही आके मारे, ठीक है, तो नबी ने तो मारना जरूरी है। अच्छा दूसरी बात ये भी एक निशानी है कि नबी कैसे मारेंगे, सोचे तो सही ना कि ईसा के ख्वाब के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख्वाब के अंदर ईसा आ रहे हैं काबे में, काबा तो पक्की बात है पोर्टल है, इसमें तो किसी शक की गुंजाइश नहीं है, हमें काबे से ही मेराज हुई थी ना पहली, इसरा का तो सफर काबे से हुआ, तो ये भी ख्वाब के अंदर से ही निकाला जा सकता है कि ये काबे की जो मामलात है ना, ये समझने की कोशिश करें कि रजाल या पोर्टल का इस्तेमाल करता है तो नबी क्यों मार सकता है उसको,
नबी ने भी उस पोर्टल की टेक्नोलॉजी में, टेलीपोर्टेशन टेक्नोलॉजी में, टाइम ट्रेवल टेक्नोलॉजी में तो पीएचडी किया होता है। नबी तो नबी, वो भी सिद्दीक नबी, ठीक है। तो ये सूरह मरियम के थ्रू ये भी समझ आ जाती है कि कोई सिद्दीक नबी आके मारेगा, जिसको पहले से पता है कि बेटा तू निकलता कहां से, आता कहां से, जाता कहां पे, हमेशा बड़ा दरवाजे खोलने और बंद करने आते हैं, तुझे वहां जाके मारेंगे कि जहां पे आम इंसान नहीं जा सकता, क्योंकि नबियों को आती है पोर्टल्स खोलनी बंद करनी। ईसा से बेहतर किसको पता है पोर्टल्स का, जो कि ऊपर चौथे आसमान पे बैठे हैं इस वक्त, वो तो इदरीस है। सो अंडरस्टैंड दिस सिंपलिसिटी ऑफ द कैसे कहते हैं द कॉन्सेप्ट एंड मैचिंग ऑफ द ब्लड टाइप, ये सारा कुछ कैसे कनेक्ट हो रहा है आपस में। अच्छा, आपने ज्यूज का जिक्र किया था कि ज्यूज वेट कर रहे थे, उसमें आपने एक बात की थी कि सब किताबों में लिखा है कि वो आखिरी नबी का वेट कर रहे थे, लेकिन मेरे ख्याल से तो वो मिसाया का वेट कर रहे हैं, और मिसाया आखिरी नबी नहीं है। जैसे जब हज़रत ईसा भी आए तो वो असल हज़रत मिसाया आ गए, लेकिन वो उन्होंने उसका इनकार कर दिया, फिर वो मिसाया का वेट किया, अभी भी तो वो मिसाया की वेट कर रहे हैं ना कि वो प्रॉफिट आएंगे, तो आखिरी नबी तो ना हुए ना उनके, आखिरी नबी तो मिसाया ही हुए ना, समझ लें। इसलिए तो मैं कादियानियत की बात कर रहा था ना कि आखिरी नबी का वेट करना जरूरी है, नबियों की लिस्ट नहीं है क्यामत तक। हर मजहब में आखिरी नबी खातिमुन नबीन कॉन्सेप्ट है, वो ये कहते हैं कि हमारा आखिरी नबी अभी आना है, जिसने फाइनल किंगडम टेंपल थर्ड टेंपल किए करके वापस इसरा का वादा पूरा करना है। इसरा मतलब हजरत इसराइल इसहाक का, इसराइल इसहाक का नाम है। तो वो जो है ना जो सरदारी हमें जो मिलनी है वो है, ये यहूदियों के कॉन्सेप्ट में वो बड़ी सिंपल सी बात है कि वो मदीने में उसी नबी को ढूंढने आए थे और सही जगह पर ढूंढने आए थे, निशानियों के पास ठीक थी, और फिर अल्लाह ने कह दिया इन्होंने ढूंढ भी लिया है, पकड़ भी लिया, इन्होंने पहचान लिया है, जितना बाप बेटे को पहचानता है कि ये मेरा ही है, समझे। अब बाप बेटे को मेरा ही कह के पहचानता है ना, तो यहूदियों ने भी यही कहा था अल्लाह के यहाँ कोई मुहावरे की थोड़ नहीं थी, अल्लाह ने भी बाप बेटे की मिसाल दी है कि ये इन्हीं का फाइनल कल्मिनेशन पॉइंट है, मगर ये बैठे हैं कि अब हम मसाया का वेट करेंगे। मसाया कोई यहूदियों का नबी नहीं है, मसाया ने तो दजल करना है, लगता ये भी क्लियर कॉन्सेप्ट है, जो यहूदियों का प्योर कॉन्सेप्ट है उसमें अवधानियत ही है अभी। इसका मतलब है कि यहूदियों को भी धोखा देगा दजाल आके, जब खुदाई का दावा करेगा तो धोखा तो यहूद को भी दिया ना उसने तो। सो जिस चीज का वो वेट कर रहे थे उनको मिल गई थी, बस वो उन्होंने अपनी हठधर्मी में ये अपनी अपर दौलत लाद दी कि अल्लाह के नबी से उनको झुटला दिया, अदरवाइज उनका वो नबी आ गया था, और हमारा भी वही नबी है, हज़रत मूसा जिस तरह हमारे नबी है, मोहम्मद भी उनके नबी हैं असल में। अब रही बात है ईसा को क्यों नहीं माना उन्होंने, हज़रत ईसा का बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट है कि हज़रत ईसा जिस तरीके से पैदाइश हुई थी, जिस तरीके से हज़रत ईसा की पैदाइश हुई थी, वो इतना बड़ा मौजज़ा था, समझने की कोशिश करें कि ये इन्होंने जो अपना कॉन्सेप्ट बनाया था ना कि हमारा नबी ऐसे होगा और इधर से आएगा, और ये हदीसा ने अपनी किताब का ऐलान कर दिया है, ये कहाँ से आ गई, ये काउंटर करते थे इस बात को कि जो उनकी निशानियां पूरी नहीं कर सकता था कि हमारी कौम का बंदा होगा, एक आदमी का बेटा होगा, फिर हदीसा ने वो वाली चीज़ें ऐसे लेवल में ममनू कर दी थी आके, क्योंकि इन्होंने कहा था कि हज़रत मूसा की शरीयत को फॉलो करने के लिए, हज़रत ईसा ने कहा था हाँ मैं अल्लाह के नबी की मूसा की शरीयत को फॉलो करने आया हूँ, लेटर बाय लेटर, जॉट बाय जॉट, ठीक है। सूरह आल इमरान में भी ये बात की अल्लाह ने, मगर जैसे ही फिर कमेंडमेंट्स अल्लाह ताला के नबी ने हज़रत ईसा ने अमेंड की और शरीयत अपनी लागू की, तो इन्होंने हज़रत ईसा के ऊपर नाउज़ बिल्ला मरियम पे तोहमत लगा दी कि ये बच्चा जो है ना, ये तुमने बगैर आदमी का बच्चा नहीं है, तुमने जना किया कहीं पर, ये उसी लेवल के ऊपर इन्होंने अपनी गैरत खोई थी, इसने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे हठधर्मी दिखाई थी ना, हालांकि निशानी नजर आ गई थी। मगर इस बात की बड़ी आसानी से ध्यान से बात रखना, मूसा ने कहा था कि, और ये यहूदियों को भी कहा था कि वो बिल्कुल मेरे जैसा होगा जो आखिरी होगा, जैसे मैं हूं बिल्कुल वैसा होगा, और यहूदियों को यह बात क्लियर थी कि ईसा तो मूसा जैसे नहीं है, सबसे पहले तो बाप ही नहीं है, मूसा को तो बाप था, ठीक है, फिर वो उधर से आई नहीं जिधर से मूसा ने कहा था,
वो वाले वाकयात नहीं हो रहे थे मूसा के साथ हुए थे, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के साथ तो पैर दर पैर फोटो कॉपी निकली है, ईरा टू ईरा मूसा के साथ जो कुछ हुआ, ठीक है। फिर ये एक आर्ग्यूमेंट है मुसलमानों का कि यार तुम्हारी किताब में लिखा कि मूसा ने कहा था कि तुम्हारे भाइयों में से भाई आएगा, तो मूसा के भाई कौन है? हज़रत इस्माइल है ना, तो तुम्हारे भाइयों में से कौन आना है? तो हज़रत ईसा तो हज़रत इसहाक की लड़ी में से आ रहे थे, तो भाइयों में से थोड़ी आने थे। तो उस वक्त के रहबाइस को पता था कि यार ये तो नहीं हो सकता हमारा, मगर चूंकि वो अल्लाह ताला का निज़ाम तो इस्लाम का निज़ाम है ना, यहूदियों का निज़ाम तो नहीं है, तो अल्लाह ताला ने तो अभी आखिरी नबी बाद में लाना था ईसा के, तो हज़रत मूसा की उस अहकामी नोयत के ऊपर ईसा को टेस्ट किया, तो हज़रत ईसा तो फेल हो गए उनकी उस फिल्टर के ऊपर, तो ज़ाया फेल ही होना था। हज़रत ईसा की तो निशानी दी नहीं हज़रत मूसा ने, वो तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निशानी दी हुई कि तुम्हारे भाइयों में से आखिरी बंदे ने आना है अभी, और नाम तक बता दिया मोहम्मद के नाम से बताया, मगर इन्होंने फिर वही गेम डाली होगी। वो सॉन्ग ऑफ सोलोमन में जो मोहम्मद इन का लफ्ज है वो ओल्ड टेस्टमेंट है, हज़रत मूसा की शरीयत में है, वो ईसाइयों को पास नहीं पहुंची ये बात कि मोहम्मद का कौन था। हज़रत मूसा ने बेसिकली ये कहा था कि आखिरी नबी जो भी आएगा, उन्होंने ये इसके बीच में हज़रत ईसा भी आएगा, उन्होंने कहा था आखिरी नबी जो भी आएगा वो ये अली। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो आखिरी नबी की बात ही कर रहा हूं बस ठीक। लेकिन उन्होंने ये ऐसी कोई नेगेट नहीं किया था कि उसके अलावा कोई और नहीं आएगा इस तरह, जाहिर है हज़रत मूसा मूसा क्यों नेगेट करेंगे, ये मैं यहूदियों की उस टेस्ट की बात कर रहा हूँ कि वो बस अपने मूसा के बाद ना ये उस सूरह काफ की निशानियां ढूंढते फिर रहे हैं बस, और कोई काम नहीं इनका, जब भी इन्होंने टेस्ट लिया है उसी का टेस्ट लिया है, क्योंकि इनके नबियों की लिस्टें तो पूरी हो चुकी है ना, ईसा से पहले पूरी हो चुकी थी, जो रसूल की लिस्ट है ना रसूल कोई नहीं आया इनके पास, जो मूसा के बाद या जो कि मूसा की शरीयत को काउंटर कर सके, तो वो तो फिर हमें तो पता है ना कि रसूल ही है ईसा भी, हमें तो पता है अल्लाह के नबी रसूल ही है। ये लोग कहते थे कि नहीं नहीं ये कैसे हो सकता है कि हमारी किताब को कुछ और किताब की जरूरत पड़े, हमारे तो वादे इसी किताब में हैं, हमारी तो शरीयत इस किताब में, अल्लाह ने दे दिया बस अब किताब है मूसा को, आप क्या किताब बनी। तो दज्जाल को ये तो नहीं कहते मसीह आएगा तो नई किताब लेके आएगा, वो ये नहीं मानते, वो किताब मूसा की चलाएगा वो आके अकॉर्डिंग टू देम, इसलिए तो कह रहा हूँ दज्जाल ऐसा है कि यहूदियों को भी मुंह के बल गिरना पड़ेगा कि यार ये तो हमारे साथ भी गेम डाल गया। थैंक यू वेरी मच।